एक थैले में नहीं बैठ सकते, बाकी लोगों का नाकाम होना बहुत जरूरी है। टीम जो होती है ना, टीम का मसल हम फर्ज करें एक लीडर है, उसके वर्कर्स हैं, मसलन 20 वर्कर हैं या 50 वर्कर क्या है, अब वो वर्कर्स कौन से होंगे? ऐसे वर्कर्स होंगे जिनके पास बेतहाशा टाइम होगा, जिन्होंने किसी दुकान पर नहीं जाना होगा, किसी स्कूल में नहीं जाना होगा, कोई रेडी नहीं लगानी होगी उन्होंने, कोई टॉक शो उन्होंने नहीं करना होगा, और वो फुल टाइम 50 लोग आपके पास आके बैठे होंगे। एक दूसरा, वो आपसे तनख्वाह नहीं मांगे, कोई तनख्वाह मांगे तो आप उसको रखे नहीं, कहेंगे फर्क करो फर्क करो यार, पैसे मांग रहे हो। तीसरी लेगा अपना सारा टाइम देंगे। तीसरी उसमें ये होगी वर्कर में कि वो आपकी हर बात को हथियार समझेगा, आप कहें आप खड़े हो नारे लगा रहे, आप बाहर निकलने उस सड़क पर खड़ा हो गए, आप जेल चले गए हैं उसे पत्थर खाने शुरू कर दें, वो मार खा रहा है सबके साथ, एक ऐसा ऐसा वर्कर होगा ना, तभी वो टीम बनेगी, तभी वो एक रेवोल्यूशन आएगा जाके। एक आदमी कायदा में है तो उसके साथ आप समझे कि 1.5 करोड़ लोग हैं, 2 करोड़ लोग हैं, दूसरी जान तक देने के लिए जा रहे हैं, घर बार छोड़ने के लिए जा रहे हैं, घरों से निकल आएंगे, बाहर निकल आएंगे, जेल के बाहर खड़े हो जाएंगे, सड़कों पर मार्च करेंगे, मौजूद होंगे, तो आप समझे 10 लाख लोग उसके साथ घर से उसको निकल के बाहर खड़े हो गए। गांधी है तो उसने कहा हुआ शहर बाहर आगे चला गया, उसने सब उस दिन हड़ताल हो गई, किसी ने कोई काम नहीं किया। लेकिन आप में से 20 सक्सेसफुल बिजनेसमैन आप ये कहेंगे आए जी मैं आपका लीडर हूँ और आप मेरे 19 वर्कर हैं, तो आप 19 वर्कर जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन वो आपके साथ नहीं चल सकते, क्योंकि उन्होंने एक तो उनका अपना विजन भी है, उन्होंने अपना कारोबार भी करना है, और सिंगल ट्रैक माइंडेड है जिसने फैसला किया हुआ जिंदगी में, या अलग अलग टैलेंट भी है कि तुमने दूसरे की थोड़ी सुन लेनी है लेकिन अमल नहीं करना उस पर। तो ऐसे सक्सेसफुल लोग जो है ना वो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन, मैं माफी चाहता हूँ कि पोलिटिकल रेवोल्यूशन नहीं ला सकते, लेकिन मैं ये अर्ज करूँ कि दुनिया में आज तक कोई पोलिटिकल पार्टी बिजनेसमैन की बैक के बगैर नहीं चली, और दुनिया में कोई भी सोसाइटी बिजनेसमैन की मदद के बगैर उसने तरक्की नहीं की। ये एक बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट होता है किसी मुल्क का, सुपर पावर अमेरिका को सुपर पावर कहते हैं, अमेरिका को सुपर पावर उसकी 36,000 मल्टीनेशनल कंपनीज ने बनाया, आज उनमें से उनको निकाल दें तो वो सुपर पावर नहीं रहेगा, वो नीचे गिर जाएगा। आज की उनकी जो शनाख्त है वो कोई बड़ा प्लेयर नहीं है जिसको हम अमेरिका को दिखा सकें कि ये इमरान खान ने क्रिकेट खेला है सारा, आज भी उनके जो बहुत बड़े प्लेयर थे बिजनेसमैन बिजनेसमैन बॉम ओवर की बात होगी या उसके बाद आप बिल गेट्स की बात करेंगे, उनकी सोसाइटी जो है ना वो बिजनेस की वजह से चल रही। इसी तरह चाइना के अंदर जब उन्होंने फैसला किया कि हमें तरक्की करनी है तो उन्होंने किसी और चीज़ पर ज़्यादा तो नहीं उन्होंने बिजनेसमैन पर तो दी, उन्होंने इंडस्ट्रीज लगवाई, एक्सपोर्ट बढ़ाई अपनी, और आज भी चाइना अगर डेवलप कर रहा है अपने आप को तो अपने बिजनेसमैन की वजह से, अपने एक्सपोर्ट्स की वजह से, अपनी इन्वेंशन की वजह से। रूस सोवियत यूनियन ने जब तरक्की की तो उसने क्या किया, उसने ही किया फैक्ट्री बनाई, मंदिर बनाए और बढ़ाए, अब भी जो रूस के अंदर जो तरक्की हो रही है आप उसका एक मेन वजह उसका बिजनेसमैन बनाए। तो एक तो ये है कि कोई पोलिटिकल रेवोल्यूशन जो है वो बिजनेसमैन के ग्रुप बना के पोलिटिकल ग्रुप बना के नहीं आ सकता, लेकिन कोई पोलिटिकल रेवोल्यूशन बिजनेसमैन के बगैर नहीं चल सकता, ये भी आप ध्यान रखें। अब सवाल ये है कि आप लोग कर क्या सकते हैं, तो आप लोगों को टीम बना ली, क्योंकि जाहिर टीम आपने शम बनाई कि आपने दुकान से आवाज किया या आपके वाले साहब ने थोड़ा सा पैसा दिया, आपने उसको एक बड़ी तरह से फायर बनाया, सक्सेस स्टोरी आप कि कैसे लोगों से काम किया जा सकता है। अब होता ही है कि वो जो विजन आपको अलग अलग दिया, ये जो एक्सपीरियंस आपको दिया वो आपके पॉलिटिकल फील्ड में आके इस्तेमाल नहीं करते। मसलन आपके दोस्त होते हैं पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टीज के एमपी आपके दोस्त हैं, एमएलए आपके दोस्त हैं, मिनिस्टर हैं, और जदाई साहब आपके दोस्त हो गए, मियां नवाज साहब के साथ आपके बड़े अच्छे तल्लुकात हो गए, लेकिन जिसका आप अपने वर्कर से काम ले लेते हैं, अपने मैनेजर से काम ले लेते हैं, उस तरह आप उन लोगों से काम नहीं लेते। वहाँ आके आप ये समझते हैं कि मियां नवाज साहब मेरे दोस्त हैं, मैंने उनके साथ रसोई करवा ली, मैंने उनके साथ खाना खा लिया, और भले भले करवा के मैं वापस आया, अगर मैंने उनके साथ अपनी तस्वीर अपने ड्राइंग रूम में लगा ली, या पुरवेद मिश्रा साहब के पास गए आप उनसे ट्रॉफी ली, ट्रॉफी वाली तस्वीर आपने अपने ऑफिस में लगा ली, बाकी जिंदगी आप समझते हैं कि आपने ठीक किया, अपना काम पूरा कर लिया। अब सब में से मेरा मुझे यकीन है कि शौकत अजीज साहब के साथ भी आपकी तस्वीरें लगी, मिश्रा के साथ भी लगी, मियां नवाज के साथ भी लगी, उनके के साथ भी, जरदारी साहब के साथ भी। ये आपका टारगेट नहीं होना चाहिए, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जैसे आपने ग्रुप बनाया, इस ग्रुप की कुछ ना कुछ असूल होने चाहिए, फंडामेंटल्स होने चाहिए, उसके बाद आप ये फैसला करें कि इस सोसाइटी में हमने ये रेवोल्यूशन लेके आना है, अपना जो इन्फ्लुएंस है उसको इस्तेमाल करके, और आपका अगर ग्रुप है उसमें
तमाम छोटे शहरों के दुकानदार भी उसमें शामिल है, छोटे दस्तीरेज भी शामिल है, वो ग्रोथ उसमें 20 लाख लोग हो गए हैं। ये 20 लाख लोग जो है ना, आप ये समझें कि आपने कोई पोलिटिकल पार्टी नहीं बनानी, आपने कोई पोलिटिकल रेवोल्यूशन भी नहीं करना, लेकिन जो पॉलिटिशन हैं उनसे आपने अपना एक एजेंडा जरूर बनवाना है, क्योंकि आपके बहुत बड़ी ताकत है। उससे जो एक रेवोल्यूशन सोसाइटी में आएगा वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा, ये आप ध्यान रखें। क्योंकि जब आप एक पोलिटिकल सिस्टम से टकराते हैं ना बिजनेसमैन, तो बिजनेसमैन हमेशा उससे भाग जाता है। ये भी एक इंटरनेशनल स्टडी है, क्योंकि आप स्टेक्स बड़े हाई होते हैं, आप अपनी फैक्ट्री नहीं बंद करवा सकते हैं कभी, आप नहीं चाहेंगे कि आपका बैंक अकाउंट है वो सीज हो जाए, या आपके पीछे टैक्स वाले लग जाए, या कस्टम आपके ऊपर छापा मारना शुरू कर दे, क्योंकि जो पोलिटिकल लॉट होती है उसके पास पावर्स बहुत होती है और वो हमेशा एक थ्रेट फील करते हैं आपके जाते। या तो ये है कि आप एक दुनिया की नई हिस्ट्री बनाना चाहें, आप समझें कि हमने एक रेवोल्यूशन पाकिस्तान में लेके आने, 50 साल बिजनेसमैन है, हमने फैसला कर लिया कि हमारी सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएँ, अकाउंट्स बंद हो जाएँ और हम सड़क पर आ जाएँ, लेकिन इसके बावजूद हम डटे रहेंगे, तो हो सकता है इससे कोई शायद एक पॉलिटिक चेंज आने का हमारा कोई चांस हो। अगर ये नहीं कर सकते आप, मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा खुला डोला बनना जो बस, और अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर मेरा ख्याल है आपको अपना इन्फ्लुएंस जो है ना उसको पॉजिटिवली इस्तेमाल करना चाहिए। उसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप 8-10-20 मुद्दे बनाएं, तब ये कहें कि इस सोसाइटी में ये एक रेवोल्यूशन आने चाहिए। मतलब जैसे उन्होंने कहा कि सोशल सिक्योरिटी जो है एक इशू है, आप गवर्नमेंट को मजबूर करें सोशल सिक्योरिटी के जो सिस्टम है उसको इंटेक्ट किया जाए पाकिस्तान में या एक सूबे में या एक बड़े शहर में। दूसरा ये आप समझते हैं कि सिविल सेंस के लोगों के अंदर बड़ा दंड होता है, सड़कों के ऊपर नाले चौक हो जाते हैं शहर के, सीवर सिस्टम खराब हो जाते हैं, जिससे एक जो एक तस्वीर है शहर की वो बड़ी क्लीन होती है, पोल्यूशन बड़ा फैलता है। आप अपना पोलिटिकल इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके इसको कम अज़ कम इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। आप ये समझते हैं कि सिस्टम पाकिस्तान में ठीक नहीं है, आप इसको अपना एजेंडा बना सकते हैं, हर गवर्नमेंट को आप मजबूर करेंगे कम अज़ कम जस्टिस सिस्टम जो देखो, आपके बगैर ना कोई पोलिटिकल पार्टी चल सकेगी और ना ही कोई हुकूमत चल सकती, ना ही कोई हुकूमत सर्वाइव कर सकती है। आप उसको इस्तेमाल करें, एजुकेशन जो है आप उसको एक विजन लेके प्रॉपर सिर्फ इसके ऊपर फोकस करके आप बहुत ज़्यादा बड़ी रेवोल्यूशन इस मुल्क में ला सकते हैं। क्या आप ये समझें कि एजुकेशन को स्टडी करवाएं, आप ये देखें कि एजुकेशन का सिस्टम क्या होना चाहिए पाकिस्तान में, उसके प्रॉपर इजला हाथ करवा के और उसके उसको आप गवर्नमेंट से बनवाएं और उसे कहें कि आप इस तरह करें तो इसी से ये मुल्क ठीक होगा। और अपना क्रिटिकल इन्फ्लुएंस जो बार बार मुसलसल इस्तेमाल करते चले जाएँ, उससे भी मेरा ख्याल एक बड़ी तब्दीली आ सकती है। तो ये एक छोटी छोटी मेरा ख्याल है, क्योंकि बात कहीं से कहीं निकल गई, तो अब बाकी चीज़ें जो मेरा ख्याल है सवाल में कवर करें तो ज़्यादा बेहतर है। आपने जो दुनिया में हालात है उसके बेस के ऊपर ऑब्जर्वेशन की है, लेकिन जो वक्त की जरूरत है, देखिए इस वक्त जो सिनेरियो है आपके सामने, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, आप 10 लीडर उठा के देख ले पॉलिटिकल सिस्टम में, ठीक है, आप समझते हैं कि वो करप्ट है, आप समझते हैं कोई कॉम्पिटेंट है, आप समझते हैं कोई क्रेडिबल नहीं है, फिर भी आप चाहते हैं कि गाड़ी का स्टेयरिंग उनके हाथ में रहे और आप पीछे रह के उनको सपोर्ट करते रहे और जितने भी बड़े लीडर्स हैं